फ्रेंड्स, मैं विमल एक बार फिर अपने चैनल एजुकेशन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आज फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हूं। और आज का हमारा टॉपिक है स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी या शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र। इसे हम इम्पोर्टेंस भी बोल सकते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी या यूटिलिटी ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र क्या है या का क्षेत्र क्या है या शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व शिक्षा में क्या है, उपयोगिता क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ तथा उद्देश्यों से स्पष्ट होता है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षार्थी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तथा टीचर यानी कि अध्यापक का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करता है। किसका? लर्नर, टीचर एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत वे सभी ज्ञान तथा प्रविधियां सम्मिलित होती हैं जो कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को अच्छा या सहज, सुगम, सरल बनाती हैं। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र को इस प्रकार से डिस्क्राइब किया है। आइए देखते हैं स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी या शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र। आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिकों के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख कार्य क्षेत्र इस प्रकार से हैं। नंबर वन, हेरिडिटी या वंशानुक्रम। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात योग्यताओं से संबंधित होता है। किसी भी व्यक्ति के वंशानुक्रम में वे समस्त शारीरिक, मानसिक और अन्य विशेषताएं आ जाती हैं जिन्हें वह अपने माता पिता या अन्य पूर्वजों से प्राप्त करता है। अनेक मनोवैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि बालक के प्रत्येक पक्ष पर उसके वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है, जैसे शारीरिक संरचना, मूल प्रवृत्तियां, मानसिक योग्यता, व्यावसायिक क्षमता आदि पर व्यक्ति के वंशानुक्रम का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है या देखा जा सकता है। शैक्षिक विकास की दृष्टि से वंशानुक्रम का अध्ययन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। वंशानुक्रम के ज्ञान के आधार पर अध्यापक अपने छात्रों का वांछित विकास कर सकता है। तो हेरिडिटी या वंशानुक्रम का शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। नंबर टू, डेवलपमेंट या विकास। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत भ्रूण अवस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत होने वाले मानव के विकास का अध्ययन किया जाता है। अर्थात वो जब जन्म भी नहीं लेता बच्चा, माँ के गर्भ में होता है तभी से उसके डेवलपमेंट की शुरुआत हो जाती है, उसका विकास प्रारंभ हो जाता है। तो मानव जीवन का प्रारंभ किस प्रकार से होता है और जन्म के बाद विभिन्न अवस्थाओं जैसे शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक यानी फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल आदि पक्षों में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, इसका अध्ययन करना शिक्षा मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण विषय क्षेत्र है। बालक की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले विकास के ज्ञान से उनकी सामर्थ्य तथा क्षमता के अनुसार शिक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान मिलता है। नंबर थ्री, इंडिविजुअल डिफरेंसेस या व्यक्तिगत भिन्नता। देखिए, संसार में कोई भी दो व्यक्ति एक दूसरे से पूर्णतः समान नहीं होते। शारीरिक, सामाजिक, मानसिक आदि गुणों में व्यक्ति एक दूसरे से पर्याप्त भिन्न होते हैं। अध्यापक को अपनी कक्षा में ऐसे छात्रों का सामना करना होता है जो परस्पर काफी भिन्न होते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के ज्ञान की सहायता से अध्यापक अपने शिक्षण कार्य को संपूर्ण कक्षा अर्थात पूरी कक्षा की आवश्यकताओं और योग्यताओं के अनुरूप व्यवस्थित कर सकता है। नंबर फोर, पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व। शिक्षा मनोविज्ञान मानव की व्यक्तित्व तथा उससे संबंधित विभिन्न समस्याओं का भी अध्ययन करता है। मनोविज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि मानव के विकास और उसकी शिक्षा में
व्यक्तित्व का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है व्यक्तित्व की। शिक्षा का उद्देश्य हम जैसा कि जानते हैं, मैंने कई जगह डिस्क्राइब किया है, शिक्षा का उद्देश्य बालक का ऑलराउंड डेवलपमेंट करना है। तो बच्चे की व्यक्तित्व का संतुलित यानी हार्मोनियस डेवलपमेंट करना शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व हो जाता है। मनोविज्ञान व्यक्तित्व की प्रकृति, प्रकारों, सिद्धांतों का ज्ञान प्रदान करके संतुलित व्यक्तित्व के विकास की विधियां बताता है। अतः शिक्षा मनोविज्ञान का एक कार्य क्षेत्र व्यक्तित्व का अध्ययन करके बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त करना भी है। नंबर 5, लर्निंग प्रोसेस अर्थात अधिगम प्रक्रिया। शिक्षा प्रक्रिया का प्रमुख आधार अधिगम यानी सीखना है। सीखने के अभाव में शिक्षा की कल्पना भी नहीं की जा सकती। शिक्षा मनोविज्ञान सीखने के नियमों, सिद्धांतों तथा विधियों का ज्ञान प्रदान करता है। प्रभावशाली शिक्षण के लिए यह आवश्यक है कि अध्यापक सीखने की प्रकृति, सिद्धांतों, विधियों के ज्ञान के साथ साथ सीखने में आने वाली कठिनाइयों को भी समझे और उनको दूर करने के उपायों से भी भलीभांति परिचित हो। सीखने का स्थानांतरण कैसे होता है अर्थात ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होता है, क्या होती है या कैसे होता है, इसका भी शैक्षिक दृष्टि से इसका बहुत महत्व है। यह जानना भी अध्यापक के लिए उपयोगी होता है। इन सभी टॉपिक्स की चर्चा शिक्षा मनोविज्ञान करता है। नंबर 6, करिकुलम डेवलपमेंट। देखिए, पाठ्यक्रम निर्माण, आज के युग में, वर्तमान समय में पाठ्यक्रम को शिक्षा प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग स्वीकार किया जाता है तथा पाठ्यक्रम के निर्माण में यानी करिकुलम डेवलपमेंट में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न स्तर के बालक और बालिकाओं की आवश्यकताएं, विकासात्मक विशेषताएं, अधिगम शैली, लर्निंग प्रोसेस कैसा होता है आदि सब भिन्न भिन्न होती है। उनका सीखने का मेथड क्या है, ये सब अलग अलग होती हैं। तो पाठ्यक्रम के निर्माण के समय इन सभी बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण होता है। नंबर 7, टीचिंग मेथड्स या शिक्षण विधियां कैसी हों। देखिए, शिक्षण का अभिप्राय छात्रों के सम्मुख ज्ञान को प्रस्तुत करना ही मात्र नहीं है, सिर्फ उस ज्ञान को प्रस्तुत करना नहीं है, प्रभावशाली इफेक्टिव टीचिंग के लिए ये जरूरी है कि छात्र प्रभावशाली ढंग से ज्ञान को ग्रहण करने में समर्थ हो सके। शिक्षा मनोविज्ञान बताता है कि जब तक छात्रों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित नहीं किया जाएगा तब तक अध्यापन में सफलता मिलना बहुत ही संदेहपूर्ण होता है, अर्थात टीचिंग में सफलता मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। यह भी जरूरी है कि सभी स्तर के बालकों के लिए अथवा सभी विषयों के लिए कोई एक सर्वोत्तम शिक्षण विधि, कोई एक इफेक्टिव टीचिंग मेथड नहीं संभव है। तो शिक्षा मनोविज्ञान प्रभावशाली शिक्षण के लिए, इफेक्टिव टीचिंग के लिए उपयुक्त टीचिंग मेथड्स का ज्ञान प्रदान करता है, उपयुक्त शिक्षण विधियों का ज्ञान प्रदान करता है। नंबर 8, मेजरमेंट एंड इवेल्यूशन अर्थात मापन तथा मूल्यांकन। छात्र की विभिन्न योग्यताओं, रुचियों तथा उपलब्धियों का मापन और मूल्यांकन करना बहुत ही आवश्यक होता है। मापन तथा मूल्यांकन की सहायता से एक ओर जहाँ छात्रों की सामर्थ्य, रुचियों, परिस्थितियों का ज्ञान होता है, वहाँ दूसरी ओर शिक्षण अधिगम की सफलता असफलता का ज्ञान भी प्राप्त होता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययनों में छात्रों की योग्यताओं और उपलब्धियों का मापन और मूल्यांकन करने वाले विभिन्न उपकरण बहुतायत बहुत ही कॉमन रूप से प्रयुक्त किए जाते हैं। काफ़ी जो हैं उनके टूल्स जो हैं मेजरमेंट एंड इवेल्यूशन के प्रयोग करके जाना जा सकता है।
बच्चे की सामर्थ्य क्या है, क्या उसकी रुचियां हैं, किस फील्ड में उसका इंटरेस्ट है, उसका आईक्यू लेवल क्या है, इसके लिए काफ़ी टूल्स हैं मेजरमेंट और इवेल्यूशन के लिए, तो उनका प्रयोग किया जा सकता है। तो उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है, इसमें मनोविज्ञान से संबंधित उन सभी बातों का अध्ययन किया जाता है जो शिक्षा प्रक्रिया का नियोजन करने, संचालन करने तथा परिमार्जन अर्थात मॉडिफाई करने की दृष्टि से उपयोगी हो सकती हैं। फ्रेंड्स, अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके।